अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं समरा मलिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एयर सीरीज़। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ, जिसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो कछुआ होता है वो नदी के किनारे, तालाब के किनारे रहता है। तो दोस्तों, उसके जो बच्चे होते हैं, जब वो बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चे उस तालाब से बाहर, जो कछुआ होता है वो बच्चों को तालाब से बाहर पैदा करता है। और उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं वो तालाब से थोड़ी दूर ऐसे ही घूमने के लिए चले जाते हैं, या घूमने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे जो शहर, तालाब के किनारे जो शहर होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटें होती हैं, मतलब बिल्डिंग्स होती है, उसमें लाइटें दिख रही होती हैं। तो वो जो कछुए के बच्चे होते हैं वो उन लाइटों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन लाइटों के पास, उन लाइटों की तरफ चले जाते हैं और वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारी असल ज़िंदगी में होता है। अगर हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, अगर हम उनकी बातों को ज़्यादा नहीं सुनते हैं या अपनी हम कोई बात उनसे शेयर नहीं करते हैं, तो दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हम अगर अपने माँ बाप को अपनी प्रॉब्लम्स, कोई भी बात अपनी नहीं बताएंगे, तो हो सकता है कि हम भी किसी गलत रास्ते पर चले जाएं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएं और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो दोस्तों, आज मैं उसी के लिए आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, हमें हर कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, लेकिन मैं आपके लिए आज एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ, जो मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर समझेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे आजकल के नौजवान हैं जो नमाज़ों को छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, वो नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा ये फ़र्ज़ है, एक मुसलमान होने के नाते मेरा, सबका ये फ़र्ज़ है कि वो अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाए। तो दोस्तों, आज मैं भी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। पढ़ना एक बहुत ही सवाब का काम है और हमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए। दोस्तों, नमाज़ें पढ़ने से ना तो सिर्फ हमारा अल्लाह राज़ी होता है, बल्कि हमारी जो बॉडी की जो टेक्चर होता है वो भी बदल जाता है और हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। गाइस, नमाज अगर देखा जाए साइंटिफिकली, तो वो एक एक्सरसाइज जैसी होती है, जिससे बंदा अपने आप को फिट रख सकता है। और नमाज में जब हम सजदा करते हैं, तो जब हम सजदे में जाते हैं, तो गाइज हमारा जो हार्ट होता है वो एक नीचे चला जाता है, जिससे गाइज ब्लड प्रेशर जो होता है वो एकदम बैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप नमाज़ें जो छोड़ते हैं वो बहुत ही गलत बात होती है। हमें नमाज़ें नहीं छोड़ना चाहिए गाइज, हमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए ताकि हमारा खुदा हमसे राज़ी रहे, हमारा खुदा हमसे कभी नाराज़ ना हो। और उससे भी बड़ी बात गाइज कि हम अपने आप को उससे फिट रख सकते हैं और हम अपने अल्लाह को भी राज़ी रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात सही लगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद।